देश का दुर्भाग्य देखो कि स्कूल खुलने का विरोध कर रही है भाजपा। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धक्कड़, हरियाणा में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ऊंची मानसिकता पर उतर आई है। जी हां, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 18 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक स्कूल खुला है, जिसका विरोध करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर पहुंचे हैं। आप देखिए किस प्रकार से वो इस स्कूल का विरोध कर रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता स्कूल और शिक्षा के खिलाफ क्यों है। ये देश को अनपढ़ रखना चाहती है, देश की युवा पीढ़ी को अनपढ़ रखना चाहती है, देश के भविष्य को गर्त में धकेलना चाहती है। इसीलिए ये स्कूलों का भी विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों का भी विरोध किया था और कहा था कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुलने से बड़े बड़े अस्पताल बेरोजगार हो गए हैं। कितनी घटिया मानसिकता है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। देश का दुर्भाग्य देखो कि स्कूल खुलने का विरोध कर रही है भाजपा, और वहां देखिए क्या बदतमीजी हो रही है कि हमारे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर के ऊपर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। पहली बार इतिहास में स्कूल खुलने का विरोध, शिक्षा विरोधी भाजपा द्वारा स्कूल खुलने का विरोध किया जा रहा है, और शर्म सारी हदें पार करते हुए अंबेडकर साहब की स्मृति के ऊपर काले झंडे दिखा रहे हैं। तो सीधा सीधा अंबेडकर साहब को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। देश